गैर जिम्मेदाराना दुष्प्रचार इस बात को लेके कहीं कहीं किया जा रहा है कि आपकी आंख की रोशनी प्रभावित हो सकती है, आपकी आंख की रोशनी जा सकती है। बारिश के दिनों में अक्सर आंखों में संक्रमण की शिकायत आती है जो कंजक्टिवाइटिस का लक्षण है। भारत में आमतौर पर इसके मामले बारिश के दौरान बढ़ते हैं। अभी कई राज्यों के साथ छत्तीसगढ़ में भी तेजी से फैल रहे आंखों में संक्रमण को लेकर शासन प्रशासन हिल गया है। हफ्ते भर में 19,000 से अधिक मरीज मिले हैं। स्थिति को नियंत्रित करने आज सीएम हाउस में सीएम भूपेश बघेल व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक आपात बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित स्वास्थ्य एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर आई फ्लू की रोकथाम के उपायों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। वहीं शुक्रवार की शाम सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में प्रेस में चर्चा में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सरकार के पास कंजक्टिवाइटिस नाम की इस बीमारी से निपटने पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध है। सरकार ने निर्णय लिया है कि आंखों की बीमारी को देखते हुए स्कूल बंद नहीं किए जाएंगे, इससे पढ़ाई प्रभावित होती है, लेकिन जिन बच्चों को आंखों से संबंधित परेशानी हो वे स्कूल ना जाएं, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। अभी प्रचलन में पिंक आई के नाम से जो आंखों में तकलीफ हो रही है नागरिकों को, उसके संबंध में जानकारी चाहिए थी, और विशेष करके बच्चों के लिए, स्कूल जाते बच्चों के लिए, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए वो बहुत चिंतित थे कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है। विभाग ने उनको जानकारी दी कि वर्तमान में जो आप उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से 19,873 लोगों को ये बीमारी से ग्रसित पाया गया है, जिसमें 100 से कम जिलेवार, 11 जिले में 100 से कम, 7 जिलों में 100 से 300 के बीच में, 4 जिलों में 300 से 500 के बीच में, 3 जिलों में 500 से 1000 के बीच में, 6 जिलों में 1000 से 3000 के बीच में, और 2 जिलों में 3000 से ज़्यादा, दुर्ग और रायपुर में 3000 से ज़्यादा प्रकरण सामने आए हैं, आबादी भी ज़्यादा है। इस पे विचार हुआ कि क्या स्कूलों को बंद करना चाहिए, तो आम सहमति यही बनी कि स्कूलों को बंद करने पर पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा प्रभाव, विपरीत प्रभाव पड़ता है, और ये पिछले वर्षों में भी हम लोगों ने देखा, कोरोना और उसके बाद में गर्मी या अत्यधिक वर्षा किन्हीं कारणों से जब स्कूल को हमने बंद किया तो बच्चों के पढ़ाई के परिणामों में बहुत विपरीत प्रभाव देखा गया है। इस कारण से ये निर्णय हुआ कि किन्हीं भी बच्चों को अगर ये स्कूल जाते बच्चों में ऐसे लक्षण देखे जाते हैं कि उनकी आंख आ रही है तो उनको घर में रहने के लिए बोल दिया जाएगा, स्कूल मत आएँ ताकि संक्रमण ना हो, और घर में अलग से रह के वो दवाई करके ठीक हो जाएं और फिर स्कूल आ सकते हैं। कि इसके लिए जो दवाई है वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, एक मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इसकी 42,170 दवाइयाँ उपलब्ध हैं तत्काल देने के लिए, और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये 8,82,297 उपलब्ध हैं, और क्यूसी में, क्वालिटी चेक में, 4,09,330 सिप्रोफ्लॉक्सासिन की दवाई ये चैनल में है, और इसके अलावा सीजीएमएससी के पास आरसी भी है, रेट कॉन्ट्रैक्ट भी है, जब चाहिए वो मंगाई जा सकती है दवाई, तो दवाई की दिक्कत नहीं है। कि सभी विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी, मैंने भी मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ, प्राइवेट विशेषज्ञ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के विशेषज्ञ, सभी से मैंने भी चर्चा की और सब ने ये बताया कि कोई चिंता की बात नहीं है, ये एक वायरस है, और जैसे कोरोना में हम वायरस की बात करते थे कि लगातार इसका प्राकृतिक स्वरूप है कि बदलता रहता है, तो ये आँख की बीमारी के संदर्भ में भी ये वायरस है जो प्रति वर्ष प्रत्येक समय बदलता रहता है, और आज जिस स्वरूप में है उसमें संक्रमण हमको केवल ज़्यादा दिख रहा है, जैसे कोरोना में हम देखते थे कि संक्रमण हो जाता था, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप दवाई नहीं भी लेंगे, ये सभी विशेषज्ञों ने कहा, तो 3 से 7 दिन के अंदर आप स्वस्थ हो जाएंगे। दवाई लेना चाहें तो डॉक्टर से लिखित दवाई आप लीजिए। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस